आज दिनांक 12/3/2023 को जन्नत सभागार में भाजपा महिला मोर्चा अनु सिंह एवं अति पिछड़ा मोर्चा राजेश फैशन नेतृत्व में नव नियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष रंजीत सिंह का अभिनंदन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें जिले भर के भाजपा के नेताओं मंडल अध्यक्षों का जमावड़ा लगा था। इस अभिनंदन समारोह में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता एवं विधानसभा में मुख्य सचेतक श्री जनक सिंह ने कहा कि रंजीत सिंह के भाजपा जिला अध्यक्ष बनने से जिले में भारतीय जनता पार्टी और अधिक सशक्त एवं मजबूत होगी और निश्चित है कि इनके नेतृत्व में पार्टी एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी। अनुशासन समिति के प्रदेश अध्यक्ष एवं जो सोनपुर के पूर्व विधायक विनय सिंह ने कहा कि भाजपा में कार्यकर्ताओं का हमेशा ही सम्मान होता है और रंजीत सिंह एक कर्मठ जुझारू भाजपा के कार्यकर्ता सदैव रहे हैं। पार्टी के हर दायित्व को इन्होंने पूरा करने का काम किया है। पार्टी को पूर्ण विश्वास है कि इनके नेतृत्व में पार्टी मजबूत होगी एवं सारण में पार्टी का मान सम्मान और बढ़ेगा। छपरा विधायक डॉक्टर सीएन गुप्ता ने कहा कि रंजीत सिंह एक अच्छे कार्यकर्ता एवं पार्टी के प्रति समर्पित रहे हैं। इन्होंने हर दायित्व को बखूबी निभाया है। पूर्ण विश्वास है कि नई दायित्व जिला अध्यक्ष के रूप में बेहतरीन कार्य करेंगे। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री भाजपा नेता महाचंद सिंह ने कहा कि भाजपा के हर कार्यकर्ता में रंजीत सिंह के प्रति सम्मान एवं प्रेम है। निश्चित है कि इनके नेतृत्व में सारण भाजपा मजबूत होगी। पूर्व विधायक ज्ञानचंद्र मांझी ने कहा कि रंजीत सिंह के भाजपा जिला अध्यक्ष का दायित्व मिलने से उन्हें विश्वास है कि भाजपा बूथ स्तर तक मजबूत होगी। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा जिला अध्यक्ष के रूप में रंजीत सिंह निश्चित ही बेहतरीन कार्य करेंगे और उनके कार्यों से भाजपा को दोनों सीटों पर निश्चित ही विजय प्राप्त होगी। उनके अध्यक्षीय अभिभाषण में नव नियुक्त जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह ने कहा कि पार्टी ने जो दायित्व उनके कंधे पर डाला है उन्हें निश्चित है कि पूरा करने का प्रयास करूंगा और इस कार्यक्रम का संचालन प्रवक्ता विवेक कुमार सिंह एवं क्षेत्रीय क्रीड़ा प्रकोष्ठ के प्रभारी धर्मेंद्र चौहान ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन राजेश फैशन ने किया। पूर्व अध्यक्ष एवं गोपालगंज के प्रभारी अशोक कुमार सिंह, पूर्व अध्यक्ष वंशीधर तिवारी, पूर्व अध्यक्ष वेद प्रकाश उपाध्याय, धर्मेंद्र शाह, डॉक्टर राहुल राज, संजय सिंह, बलवंत सिंह इस कार्यक्रम में भाजपा में नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर राकेश कुमार यादव, धर्मेंद्र यादव, संतोष पटेल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। महिला मोर्चा और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ स्वागत करते हुए नव निर्वाचित नियुक्त बड़े भाई रंजीत सिंह जी का बहुत बड़ी जिम्मेवारी इनके कंधों पे, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधे पे और खुशी की बात है कि बिहार दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।